हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू लेक्चर सीरीज ऑन डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ AKTU, RGPV एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज़। यू कैन ऑल्सो फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सब्जेक्ट इन UGC नेट एग्जामिनेशन एज वेल। सो दैट्स द इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स बिगिन विद आर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेब माइनिंग। देयर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन इंटरनेट, और ऐसा नहीं है इंटरनेट पर डेटा सैचुरेट हो गया है। डे बाई डे मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज बींग स्टोर्ड ऑन इंटरनेट। आजकल बिजनेस भी इंटरनेट पर होने लगे हैं, और क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है तो हमें अपने बिजनेस को कस्टमर रेलिवेंट बनाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। और ऐसा करने के लिए बिजनेस हैज़ बिकम डेटा ड्रिवन। हम जो भी डिसीजन लेते हैं बिज़नेस ग्रो करने के लिए या यूज़र के सेटिस्फैक्शन एंड बिहेवियर को समझने के लिए वेब डेटा को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक बार जब हम डेटा को एनालाइज़ कर लेते हैं तो हम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एंड इंसाइट्स ड्राइव कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए, और वेब माइनिंग इसके लिए ही यूज़ होती है। वेब माइनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक जिससे हम वेब डॉक्यूमेंट्स एंड वेब सर्विसेज से ऑटोमेटिकली डेटा को डिस्कवर एंड एक्सट्रैक्ट करते हैं। वेब माइनिंग का जो मेन पर्पस होता है वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना और यूजेज पैटर्न को समझना होता है। तो वेब माइनिंग में हम बेसिकली इंटरनेट या फिर वेबसाइट्स को एनालाइज कर रहे हैं यूजेज पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए। अब जब हम इंटरनेट या वेबसाइट्स को एनालाइज़ कर रहे हैं तो हम इसमें डेटा को एनालाइज़ करेंगे। तो उसका जो डेटा होता है वो हमारा तीन कैटेगरीज में होता है। सबसे पहले वेब का कंटेंट एनालाइज़ करना, वेब का स्ट्रक्चर एनालाइज़ करना, या उसका यूजेज कैसा हो रहा है वो एनालाइज़ करना। तो अगर हम वेब कंटेंट की बात करती हूँ तो कंटेंट में हमारा टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर वेब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वेरियस टैग्स और हाइपरलिंक्स होते हैं वो हम कंसिडर करते हैं या उनको एनालाइज करते हैं। एंड देन आता है वेब यूजेज। वेब यूजेज में हम डिफरेंट लॉग्स क्रिएट करते हैं लाइक HTTP लॉग, ऐप सर्वर लॉग एक्सेट्रा। अब ये कहना और सुनना तो बहुत आसान लग रहा है कि आप वेबसाइट को एनालाइज़ करो और उसमें से यूजेज पैटर्न निकालो, बट अब जब रियल टाइम पे इस पर वर्किंग करते हो तो आपको वेरियस चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब हम आगे इन्हीं चैलेंजेस के रीजंस की बात करेंगे कि ये चैलेंजेस अकर क्यों होते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है हमारा वेबसाइट के साइज़ के कारण, क्योंकि जो वेबसाइट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें आप ऐसा नहीं कि आपने एक वेबसाइट बनाई और आपका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि आप अपना जो भी बिज़नेस है आप उसको ग्रो करना चाह रहे हो तो आपको अपनी वेबसाइट में भी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाते रहना होगा। आपको फैसिलिटी बढ़ानी होगी अपने वेबसाइट में, यूज़र को क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो वो भी आप किसी किसी टाइम पे इंक्रीज़ करते जाओगे, तो जिससे आपका जो वेबसाइट का साइज़ है वो भी रैपिडली इंक्रीज़ होगा, जिसके कारण आपको यूजेज पैटर्न फाइंड आउट करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। दूसरी बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेब पेजेस। जो वेब पेजेस होते हैं वो आपके ट्रेडिशनल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अभी आप ये समझ रहे हो कि आप जो कॉपी पे नोट्स बनाते हो वो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न का डेटा ही स्टोर करेंगे, लेकिन वेबसाइट के केस में ऐसा नहीं होता। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, और हर वेब पेज में एक डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। कोई वेब पेज है जिसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर है, कोई वेब पेज है जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर है, फिर जो डेटा है वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो इस कारण जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है और यूजेज पैटर्न निकालने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट हमारा जो चैलेंज आता है वो आता है वेब इज़ डायनेमिक इन्फॉर्मेशन सोर्स के कारण। इसका क्या मतलब होता है, जो वेबसाइट है वो स्टैटिक नहीं होती, आप उसमें हर दिन कुछ नया इन्फॉर्मेशन या फैसिलिटी इंक्लूड कर रहे हो, जिसके कारण आपका यूजेज पैटर्न भी इससे इफ़ेक्टेड हो रहा है और आपको यूजेज पैटर्न निकालने में भी एनालाइज़ करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। देन आता है जो डाइवर्सिटी होती है यूज़र कम्युनिटीज़ की, वो भी बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि जो वेबसाइट है वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन यूज़ नहीं कर रहा है या एक टाइप का पर्सन ही यूज़ नहीं कर रहा है। वेबसाइट को हर टाइप के पर्सन यूज़ करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेंज होता है दूसरे से, उनका इंटरेस्ट चेंज होता है, उनका यूजेज पर्पस भी चेंज होता है। तो इसके कारण क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो यूजेज पैटर्न निकालने में भी हमें डिफ़िकल्टी होगी। एंड लास्ट है रेलेवेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी हमने यही समझा है कि जो भी पर्सन होता है उसका इंटरेस्ट,
यूजेज पर्पस और उसका बैकग्राउंड सब अलग अलग है। तो इसके कारण कोई आप एक कॉमन एसेंस नहीं निकाल सकते कि भाई ठीक है हमने ये वेबसाइट बनाई तो उसका यूजेज पैटर्न यही निकला। हर किसी पर्सन के हिसाब से जो यूजेज पैटर्न है उसका भी व्यू चेंज होगा। तो इस कारण से हमारे पास एक डिफ़िकल्टी आती है कि हम कैसे एक कॉमन यूजेज पैटर्न निकालें उस वेबसाइट का। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ वेब माइनिंग। वेब माइनिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द पावर ऑफ सर्च इंजन बाई क्लासीफाइंग वेब डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिफाइंग द वेब पेजेस। दूसरी चीज़ आती है, ये वेब सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। देन ये कस्टमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए होता है। एंड देन इसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या ई सर्विसेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। टूल्स फॉर वेब माइनिंग आर वेब कंटेंट एक्सट्रैक्टर, स्क्रीन स्क्रैपर, वेब इन्फो एक्सट्रैक्टर, मोजेंडा या ऑटोमेशन एवरीवेयर। देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ वेब माइनिंग। फर्स्ट इज वेब कंटेंट माइनिंग, सेकेंड इज वेब स्ट्रक्चर माइनिंग एंड लास्ट वन इज वेब यूजेज माइनिंग। ईच ऑफ देम फोकस ऑन डिफरेंट माइनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वेब, लेकिन सबका पर्पस एक ही होता है, नॉलेज डिस्कवर करना जो कि प्रीवियसली अननोन है फ्रॉम द वेबसाइट्स। In our next video lecture, we will discuss about content mining, structure mining, and usage mining in detail. Thank you for watching.